नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में। सत्ता के संग्राम में हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां चुनाव होने वाले हैं, और वहां चुनावों के बीच से हम हर खबर को खींच कर लेकर आएंगे। आज उत्तराखंड की सियासी हलचल पर और सियासत पर बात होगी। आज इस चीज पर बात होगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 21 दिन में पैसा डबल, तो क्या विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप एक बार विधायक बन जाते हैं तो शायद आपका पैसा डबल, विश्वास करेंगे? आप कहेंगे हां शायद। यही वो मुद्दा है जिस पर बात होना बहुत जरूरी है। यही वो मुद्दा है कि आखिर कैसे कोई भी नेता जैसे ही सत्ता में आता है उसका पैसा बनना बहुत तेजी से क्यों शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी मशीन लग जाती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया फिट हो जाती है कि पैसे का जो बनने का जो स्वरूप है वो बहुत फास्ट हो जाता है। एक रुपए का दो रुपए बनने में मिनट से भी कम समय लगता है। ऐसा कौन सा स्वरूप है, उस पर बात होगी। बात इस पर होगी कि नेता तो नेता, विधायक तो विधायक, सांसद तो सांसद, उनके आसपास घूमने वाले चिंटू मिंटू ननकू रज्जाक, इनके पास भी कहां से एकदम से कुबेर का खजाना हाथ लग जाता है। ऐसा कौन सा श्री सुख सिद्धि ने हासिल हो जाता है कि इनके आस पास हर जगह लक्ष्मी ही लक्ष्मी नजर आती है। ऐसा कौन सा लक्ष्मी कवच ये लोग धारण करते हैं, इसी पर बात होगी। क्योंकि इस पर बात होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में चीज है कि कोई भी धन्ना सेठ नेता हो मंत्री हो जरूरी नहीं है, लेकिन नेता मंत्री ये धन्ना सेठ कैसे बन जाते हैं इस पर बात होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक जो पूरी एक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। क्योंकि आज मैं अगर आपसे कहूं आज की तस्वीर के सहारे कि कोई चाय बेचने वाला इतने हाई लेवल पर पहुंच सकता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एक गेंदे का फूल का पूरी माला लेकर अगर आप किसी मंत्री जी से मिलने जाएंगे तो मंत्री जी कहेंगे अरे गेंदे का फूल लेकर आया है, बाहर से ही टाटा बाय बाय। आप सोच सकते हैं कि आप अल्टो गाड़ी से किसी सीएम से मिलने जाएं, आप अल्टो कार चलाकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता या प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जाएं और आपका स्वागत सत्कार हो, आपको बिठाया जाए। क्यों? क्योंकि आपकी उपलब्धता यह है कि आपने अपने इलाके में काम कराया है, आपने अपने इलाके में कैडर को मजबूत किया है, पार्टी को मजबूत किया है, लोगों की जनसेवा की है। क्या इसके सहारे आप प्रदेश अध्यक्ष से या फिर सीएम साहब से मिल सकते हैं अगर आप अल्टो से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं? लगता है इसी पर बात होगी। क्योंकि जो निर्धन व्यक्ति है, जो निर्धन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीति से टूटता जा रहा है। जो कमजोर है, जो पैसों से कमजोर है, वो राजनीति की पाठशाला में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इसी पर बात होगी। क्योंकि नेता तो अपनी चीजें करते रहेंगे, चाहे कांग्रेस की बात करूं, परिवर्तन यात्रा में वो लोग गुम रहेंगे, परिवर्तन यात्राएं करते रहेंगे, परिवर्तन ला भी दें। बीजेपी की बात करें, वो मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, वो बदलते रहेंगे, उनको मुबारक। आम आदमी पार्टी की बात शायद ना करें, जल्दबाजी होगी क्योंकि वो तो अभी लोग इंट्रोडक्शन के फेज में हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन चल रहा है उत्तराखंड के सामने। लेकिन क्या अगर आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी पहाड़ क्षेत्र में एक ननकू बैठा है, उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रज्जाक बैठा है, कहीं पर कोई सोनू गुप्ता बैठा है, कहीं पर कोई प्रकाश नेगी बैठा है, उसके यहां भूस्खलन की समस्या है, इस पर कौन विचार कर रहा है? बारिश हो रही है, छत की टपरी गिर गई, कौन देखेगा? कोई नहीं देखने आ रहा। नेता अपनी राजनीति में लीन है, नेता अपनी राजनीति के सहारे, सत्ता के स्वर के सहारे, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं। ठीक है, अपनी अपनी माया, सबको भाया। लेकिन हम उस चीज पर बात करना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो निर्धन है, जिसके पास इतना धन अर्जित नहीं किया उसने कि वो विधायक बन सके या अपना प्रचार कर सके, लेकिन जनसेवा का भाव है, राजनीति के सहारे सत्ता में आकर लोगों की मदद करना चाहता है, दिल से सेवा करना चाहता है, लेकिन क्योंकि धन नहीं है तो सेवा कैसे करेगा? तो अगर धन नहीं है, सेवा नहीं कर सकता, तो फिर कैसे? सेवा का बड़ा मन है लेकिन धन नहीं है, तो फिर क्या काम करेंगे? तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। उन मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
इसके साथ ही हमारे साथ मनोज इस्टवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। सबसे पहले तो आपसे आऊंगा सुजाता पॉल जी। सुजाता जी, ये बताइएगा वो समय कब बीत गया, हमारी आंखों के सामने से कब आकर निकल गया कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता था, एक निर्धन पुरुष आगे आकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। बहुत से ऐसे लोग आए, बहुत से ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं हमारे सामने, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर आपकी जेब में, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और आप जाकर पार्टी से टिकट मांगे तो क्या मिल जाएगी? राजनीति हटके बिल्कुल मन की भावनाओं के साथ जवाब दीजिएगा सुजाता जी। बड़े वाजिब सवाल हैं और इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है और ये हमारी सारी जितनी पार्टीज हैं उनको भी सोचना बड़ा आवश्यक है। एक समय ऐसा था जब देश में कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, वो निर्दलीय भी लड़ जाए और वो पॉपुलर हो तो वो चुनाव जीत सकता था। और ये बात सच है कि आज की तारीख में अगर हम लोग ये सोचे कि हम अपने बलबूते पे बिना किसी प्लेटफॉर्म के चुनाव लड़ने जाए तो शायद ये मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए अगर आप देखें, आपने अभी जो चाय वाले की बात करी है तो मैं तो ये मानती हूँ कि चाय वाला एग्जाम्पल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था उस वक्त वे चाय वाला नहीं थे, वे उस वक्त मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के भी पहले की बात कर रहे हैं। चाय वाला सुजाता जी उसका उदाहरण है, मैंने ये बताया कि हम लोगों ने पहले देखा है कि किस तरीके से लोग एक बहुत नीचे तबके से उठकर ऊपर तक पहुंचे, तो उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे आ रही थी जी कि हमने, मैं उसी पे आने आ रही थी कि चाय वाले की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमने देखा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, बड़े जिनको ये लगता था कि उनको अगर सुविधाएं मिल पाई हैं या वो सुविधाएं अर्जित कर पाए हैं मेहनत से। मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का जी, हमने सबने सुना है कि कितनी कठिनाइयों से एक नदी को पार करके वे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। सब हमारी किताबों में हमने पढ़ा है, हमने जाना है। उन्होंने बड़ी कठिन जीवन को व्यतीत करने के बाद एक मकाम भी हासिल किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने देश को आजादी दिलवाने के लिए जो स्ट्रगल किया, हम उसको उसके लिए कृतज्ञ हैं उनके। लेकिन आज के जमाने में आप सच कह रहे हैं कि हर तरफ आप देखेंगे कि पॉम्प एंड शो है, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो ही आपको कुछ माना जाता है। ये समाज की एक कुरीति है। तो अगर हम इसे केवल पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के देखेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि समाज में भी ऐसा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक ऑल्टो ही है, आपने ऑल्टो का एग्जाम्पल लिया, मैं ऑल्टो की ही बात करूंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी वो स्कूल मतलब हिंदुस्तान का नंबर वन स्कूल है लड़कियों के लिए, वेलुम गर्ल्स स्कूल, सुन लीजिए आप मेरी बात। उस पे भी मैं जब जाया करती थी तो मैं अपनी स्कूटी पे जाया करती थी, और मुझे आज भी पता है कि मेरी जो ऑल्टो गाड़ी है उस पे मैं चलूंगी तो मुझे कंफर्टेबल होगा, मैं जगह जल्दी पहुंच भी जाऊंगी इतनी ट्रैफिक जाम में। लेकिन आपका सवाल, क्या उस ऑल्टो गाड़ी में मेरे जाने से अगर मैं टिकट मांगती हूँ तो क्या मुझे टिकट मिलेगा? संभवतः नहीं। और इसके लिए ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है इसको हमारे को नकारना होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सक्षम होंगी तो और लोगों के बीच में जाके काम कर सकती हूँ, अगर लोगों के वोट मुझे मिल सकते हैं तो मेरी पार्टी जो है मुझ पर भरोसा करके मुझे टिकट भी दे सकती है। सुजाता जी, तो मुझे ऐसा लगता है जी। सुजाता जी देखिए, ऐसा समय आ गया है, आप लोगों के बीच जाकर जितना भी काम करते रहिए, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया सेल अगर आपके पास मजबूत नहीं है, जिले की भी बात करूं तो मजबूत नहीं है, तो आप कितना भी काम करते रहिए लेकिन जो पड़ोसी है, जो एक जगह जाकर अगर कंबल भी बांट आएगा तो अगर उसका सोशल मीडिया मजबूत है तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो प्रदेश का जो सर्वोच्च लोग बैठे हुए उन तक बात पहुंचा देगा। इसके साथ ही मैं आपको, जैसे आपने अल्टो का एक और बार जिक्र किया, तो मैं बताऊं कि मैं ये कहना चाहता था, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप अल्टो में, अगर आप सीएम साहब के पास जाती हैं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास जाती हैं, अल्टो में जाती हैं और बाजू में कलफ लगाकर बढ़िया, एकदम बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर नेताजी, 6 गाड़ियां चिंटू मिंटू और तमाम लोग लेकर पहुंचते हैं, तो पहले जो दरवाजा है वो उसी के लिए खुलेगा, जो 4 गाड़ियां लेकर अंदर घुसेंगे बढ़िया से उन्हीं के लिए खुलेगा।
मनोज जी पर आते हैं। मनोज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, ये बताइएगा कि ये जो धारणा बदल चुकी है, अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मन में जितनी भी जनभावना हो, जितनी भी जनसेवा का मेरे मन में भाव हो, जितनी भी समाज सेवा का मेरे मन में भाव हो, लेकिन अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सत्ता के रास्ते आप अच्छे सुचारू रूप से कर सकते हैं जनसेवा, लेकिन अगर पैसा नहीं है, सत्ता में आ ही नहीं सकता, चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो फिर कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ जो नेताओं के आसपास जो लोग घूमते हैं उनसे अगर पूछिएगा करते क्या है, जो नेताओं के पीछे जो बढ़िया फॉर्चूनर गाड़ी, सफारी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, अगर उनसे आप पूछिएगा कि करते क्या है, तो एक ही जवाब मिलेगा, विश्वास करिए, समाज सेवा। और ये कौन से समाज की सेवा है और कौन सा समाज है जिसकी सेवा करने से करोड़ों रुपए का धन अर्जित किया जाता है, कैसे, ये कहां से आ जाता है। क्योंकि आप समझिए, अगर आप फॉर्चूनर चला रहे हैं, अगर आपको पौड़ी गढ़वाल से देहरादून जाना है तो भैया पैसा खर्च होगा, उसमें तेल डलेगा गाड़ी में, 3 गाड़ियां और लेकर जा रहे हैं उसमें भी तेल डलेगा, तो अगर वहां तक पहुंच रहे हैं, कौन सा पैसा है, जो ऐसा कौन सा समाज है जिसकी सेवा करने से उल्टा पैसा मिल जाता है। तो ये जो पूरा जो राजनीति का जो ये स्तंभ है कहीं ना कहीं टकराता सा नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन चीजों पर तो कई दफा बहस होती रहती है, लेकिन जो बिल्कुल बेस है उस पर बात करना भी जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि राजनीति से जो रईस लोग हैं वो तो आराम से इसमें एंट्री कर जाते हैं। किसी के पास करोड़ों रुपए है वो सीधे आएगा, टिकट लेगा और अचानक से नया चेहरा आपके सामने। लेकिन जो निर्धन है उसके लिए राजनीति एक बहुत कठिन प्रक्रिया, बहुत कठिन चीज क्यों हो गई है जी? राजनीति ने अपना मुखौटा चेंज किया है, लेकिन राजनीति में ऐसा अगर मैं बीजेपी विधायकों की बात करूंगा, मोदी जिनके 5,000 रुपए भी नहीं हुआ करते चुनाव लड़ने के लिए, चलिए मनोज जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपसे फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसके बीच ही आम आदमी पार्टी के नेता को अगर हम जोड़ सके, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अगर हम जोड़ सके तो ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जोड़ सके तो उनको जोड़ने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। मनोज जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं वापस सुजाता जी पर आना पाऊंगा। सुजाता जी, आप ये बताइएगा कि ये जो प्रक्रिया बदली है इस पर, क्योंकि हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जवाब दे सकती हैं, सवाल जवाब से हटकर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ये है कि हमारे सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग है वो अपने मेथड्स को सिंपल करें, और चुनाव में जिस तरह का खर्चा होता है, जिस तरह से आप जानते हैं कि लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, चीजें दी जाती है, बड़े बड़ी मतलब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसमें सीरियसली सोच विचार करके इस पर रोक लगे। दूसरा जो है कि हर पार्टी को जरूरत है, हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूरत है कि वो भी अच्छे लोगों को जो सक्षम हो उनको वो ग्रूम करे, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ग्रूमिंग जो है वो नहीं कर रही है कोई पार्टी। उनको कोई तैयार व्यक्ति हो उसको मिल जाए उन्हें तो वो अपनी पार्टी में लेंगे। आप जानते हैं कार्यकर्ता के तौर पे आप भीड़ को तो एक पार्टी अपनी सदस्यता दिलवाते वक्त भीड़ दिखाकर फोटो खिंचवाती है, हर पार्टी करती है, लेकिन उसमें से जो सक्षम नेता है क्या पार्टी उसे ग्रूम कर पाती है, यहाँ पे दिक्कत है। आपको मैं थोड़ा बंगाल की तरफ भी ले जाऊं और भारतीय जनता पार्टी का, जैसे अभी इष्टवाल जी कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास 5,000 रुपए भी नहीं थे मगर वो विधानसभा पहुंच गए या संसद पहुंच गए, और यही हाल हुआ टीएमसी के भी विधायकों का। उन्होंने बहुत अच्छा अपना संगठन खड़ा कर रखा है, मजबूती से खड़ा कर रखा है, लेकिन आज की तारीख में जब वे अपनी जगह पे पहुंच गए तो क्या वे उसी तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या क्योंकि मतलब जो उनका नेतृत्व है, चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए या भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व को ले लीजिए, वे उनके इतने गुलाम हो जाते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनके प्रति भी उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। इसीलिए तो आज जो हालत हो रखी है देश में, मतलब कंफ्यूजन, केओस और ये सारी चीजें हो रखी है, तो इस पर कहीं ना कहीं हर पार्टी को भी कोई ढंग की नीति लानी होगी, और इसमें ऑल पार्टीज
जो है अगर ये एक साथ आके डिस्कस करेंगे तभी कोई फूल प्रूफ मेथड आएगा, क्योंकि एक पार्टी तो करेगी नहीं। अगर दूसरी पार्टी पैसा खर्च करने वाले कैंडिडेट चुन रही है तो हर पार्टी ये करेगी, और एक भी पार्टी अगर इस बात का दबाव बना पाती है हर पार्टी में तो मुझे लगता है एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है। ठीक है सुजाता जी, हमारी तीसरी खिड़की पर भी एक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय भट्ट आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद जी। संजय जी आपने थोड़ी सी देर कर दी, आपको एक बार जल्दी से पृष्ठभूमि समझा देता हूं। आज जो हम कार्यक्रम में जो बातचीत कर रहे हैं, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, वो दरअसल ये है कि जो नेता है वो अगर उनके पास पैसा है तो टिकट भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, पार्टी आला कमान से इज्जत भी मिलती है, फोन आता भी है, फोन जाता भी है, नंबर भी सेव होता है, व्हाट्सएप पर भी आदान प्रदान होता है बातों का, हर चीज का। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, उसे समाज सेवा करनी है, समाज सेवा कर रहा है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, राजनीति के जरिए अगर वो काम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, क्योंकि अगर जेब में नहीं है दो कौड़ी तो कैसे जाकर सड़क पर बातचीत कर पाएगा, कैसे जाकर अपने बड़े नेताओं को कन्विंस कर पाएगा कि उनको टिकट दी जाए या वो चुनाव लड़ाया जाए। तो ऐसे में आपकी पार्टी का जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा था तब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आपकी पार्टी खुद अभी इंट्रोडक्शन करा रही है अपना उत्तराखंड में, तो आप नए हैं, जैसे कि सुजाता जी ने भी कहा कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लोगों को एक नई राजनीति जो है उसमें एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आप उत्तराखंड में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई पार्टी है वहां पर, तो इसमें क्या बदलाव है आपकी तरफ से? जी प्रमोद जी, पहली बात तो ये, मैं तो खिड़की में काफी देर से था, आप लोगों को कावेंद्र चौहान मुझे नहीं जोड़ रहे थे जी। ये अच्छा, यहाँ प्रमोद शर्मा एक तीसरे खिड़की पे लिखा है तो मैंने सोचा। कावेंद्र जी, मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ आपकी खिड़की पे, आपने एक बार लिया भी, फिर उसके बाद शायद टेक्निकल टीम ने हटा दिया, क्या कारण होगा वो टेक्निकल टीम जाने। लेकिन मैं लगातार बना हुआ था, आप लोगों को पूरा सुन रहा था मैं आप लोगों को। जो आपने कही बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, यही सब चलता रहेगा तो जो आम आदमी है, जो समाज सेवी है, क्योंकि समाज सेवियों के पास अक्सर कुछ हुआ नहीं करता। अगर किसी समाज सेवी के पास कुछ होता भी है, सोनू सूद जैसे के पास, तो उसको सत्ता से डराया जाता है अगर वो लोगों की मदद करता है। तो वैसे तो अधिकतर समाज सेवियों के पास कुछ होता ही नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा 2013 की। जब 2013 में पहला चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव, तो मैंने भी वहां दिल्ली कैंट विधानसभा में काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। मेरा अनुमान है कि 6 लाख रुपए में कमांडो सुरेंद्र सिंह उस समय विधायक बन गए, मात्र 6 लाख रुपए खर्च हुए थे। देखिए, जबकि संजय माफ कीजिएगा, अभी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, दिल्ली नहीं जाते, दिल्ली जाएंगे तो फिर मैं भी पहुंच जाऊंगा कहीं, और मैं भी कहूंगा कि आपने कितना भी काम किया, कुछ भी किया, कुमार विश्वास भी आपके साथ थे, उन्होंने भी कुछ काम किया, सबने कुछ कुछ काम किया, लेकिन आखिरी में आपने गुप्ता जी को राज्यसभा का टिकट देकर भेज दिया क्योंकि उनके पास दाम था। आप उत्तराखंड पर ही रहते हैं, उत्तराखंड की ही बात करते हैं, आप यहां पर नई पार्टी बनकर आए हैं, तो यहां पर आपके मन में क्या कुछ है, कुछ ब्लूप्रिंट है, कोई चीज है, कोई सोच है, कोई विचार है कि किस तरीके से आप जोड़ किस तरीके से रहे हैं लोगों को, आप टिकट का जो वितरण करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं, आपके जो लोग हैं वो उत्तराखंड के लोगों से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है जिनका जो जनसेवा का जो ग्राफ है वो ऊपर है, अकाउंट नीचे है, ऐसे लोगों की बातचीत हो रही है, इस पर बातचीत कर रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात एक लाइन में अपनी खत्म करना चाहूंगा वो वाली, और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय जनता से चंदा मांगा और जनता ने 20 करोड़ रुपए दिया, उससे चुनाव लड़े थे दिल्ली का पहला। ठीक है, आपने कहा दिल्ली की बात नहीं करते तो नहीं करते हैं, उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में क्योंकि पिछले 21 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी स्थापित पार्टी है, और एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, यही उत्तराखंड में होता रहा है। उत्तराखंड में 11 मुख्यमंत्री तो चेंज जरूर हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं, और उनके जितने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के खर्चे हैं वो सब यहीं की जनता वहन कर रही है, चाहे वो जितने भी उनकी सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं बंगले जैसी सुविधाएं तो हाईकोर्ट नैनीताल ने हटा दी, लेकिन बाकी सुविधाएं उनको मिलती हैं और वो जनता वहन कर रही है। तो वहन तो जनता ने ही करना है अंतोगत्वा, चाहे गरीब आदमी लड़ सके या ना लड़ सके। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी नहीं है यहाँ, ये जो आपने कहा, और कि किस प्रकार से लोगों को ले रहे हैं, किस प्रकार से संपर्क कर रहे हैं और किस प्रकार से आगे टिकट का वितरण होगा। देखिए, हम लोग क्योंकि हमारा एक ही मेथड है, वो जो 2013 की बात की, या मैंने 15 में भी काम किया दिल्ली में, या अब भी हम काम कर रहे हैं जो यहाँ पर, तो हमारा सीधा सा मेथड है डोर टू डोर जाना।
हम डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो जब हम ऑक्सीमीटर लेके उनका ऑक्सीजन चेक करने गए या थर्मामीटर लेके उनका टेम्परेचर चेक करने गई, वो सब काम हम डोर टू डोर जाकर ही कर रहे हैं और जनता से लगातार जुड़ाव में हम लोग हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले भी रही है क्योंकि जनता चाहती थी कि बीजेपी ने कहा पहली गवर्नमेंट पे कि 56 घोटाले करे, फिर कांग्रेस ने भाजपा को कहा 65 घोटाले किए, एक भी किसी घोटालेबाज को आज तक जेल नहीं भेजा, बल्कि आजकल जो झगड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं में, एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और दूसरे हरक सिंह रावत जी जो ऊर्जा मंत्री और दूसरे मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई ढेंचा बीज घोटाला हुआ था और मैंने दो पेज के लिख के दिए तब हरीश रावत जी ने इन्हें बचाया। अब इसमें अलग अलग बयान हो सकते हैं, हरीश रावत जी का अलग बयान हो सकता है और त्रिवेंद्र रावत जी का अलग बयान हो सकता है अपने बचाव में, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा पूर्व मुख्यमंत्री कि मैंने किसी को बचाया, फिर वो फंस जाएंगे अगर वो कह देंगे कि हाँ मैंने बचाया है। तो ये सब चलता रहा है और जनता को लूटने का काम रहा, तो जनता भी देख रही है, इसीलिए जनता हमें हाथों हाथ ले रही है क्योंकि जनता को यहाँ विकल्प चाहिए था और विकल्प कोई बन नहीं पा रहा था, इसीलिए जनता चाह रही है कि कोई तीसरा विकल्प यहाँ पर उत्तराखंड में आए। और आप देख रहे होंगे कि हमने जो फ्री बिजली 300 यूनिट प्रति घर को प्रति माह देने की केजरीवाल जी ने वादा किया, उसमें 13 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ठीक है, एक चीज पूछनी थी सुजाता जी, जब कोरोना काल जब चल रहा था तो आप लोगों ने भी राशन के पैकेट बांटे होंगे, आप लोगों ने भी ऑक्सीमीटर बांटे होंगे, आप लोगों ने भी ऑक्सीजन के लिए जो भी चीज यूज होती होगी वो भी बांटी होगी, बांटी थी कि नहीं बांटी थी आपने? बिल्कुल। जब सुजाता जी आपने जगह पे, हाँ जब सुजाता जी आपने भी सब कुछ बांटा, जब हमारे भाई बैठे हुए हैं संजय भट्ट जी, इन्होंने भी सब कुछ बांटा, इससे पहले मेरी बात संजीव वर्मा जी से हो रही थी, बीजेपी से थे वो, उन्होंने भी सब कुछ बांटा, जब हर कोई बांट ही रहा था तो ये मिल क्यों नहीं रहा था? उत्तराखंड जब हम पहुंचते हैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं तब तो वो ऐसी बात नहीं कहते कि हमारे पास आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए, वो भी राशन दे गए, एक किलो चने की दाल दे गए, 1 किलो आटा दे गए, 2 किलो आटा दे गए, और इसके बाद हमारे पास बीजेपी से भी आ गए, वो ऑक्सीमीटर दे गए, इसके बाद हमारे पास कांग्रेस से भी आ गए, वो हमें ये फलानी फलानी दवाइयां दे गए, ऐसा क्यों नहीं कोई कहता मिला? मतलब आप किस परिपेक्ष में कह रहे हैं, शायद मैं गलत ना समझ रही हूँ। नहीं सुजाता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बांटा ही गया था तो मिला क्यों नहीं? जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के हमारे भाई ने तुरंत बोल दिया संजय जी ने कि हमने भी बांटा, तो मैंने ये तंज मारा था इस पर, अब जवाब मत दीजिएगा, लेकिन अब हम मुद्दे पर वापस आएंगे। तो सुजाता जी, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कि जो निर्धन है वो राजनीति में कैसे जाएगा, इसके लिए जैसे कि बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत की थी तभी बोला था कि 21 दिन में पैसा डबल होता हो ना होता हो, लेकिन अगर एक बार आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो पैसा डबल होने की गारंटी जरूर मिल जाती है। शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब थे जी, जी सुजाता जी और मनोज जी ध्यान से सुनिएगा, शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब थे 2012 से लेकर 2017 तक, इनका जो पैसे का जो ग्राफ था वो 32 करोड़ रुपए बढ़ गया। अब 2 लाख रुपए एमएलए को आज सैलरी मिल रही है और एक पीरियड में, एक टर्म में 32 करोड़ रुपए का ग्राफ बढ़ जा रहा है। इसके साथ ही नव भारत जी थे वो कांग्रेस से ही थे, सुजाता जी आपकी पार्टी से थे, उनकी 6 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई। रेखा आर्या जी हैं, उनकी भी 6 करोड़ की बढ़ गई, ये एडीआर की रिपोर्ट है। तो ये कैसे संभव हो जाता है? देखिए, जहां तक बात है, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उसमें से नवप्रभात जी का भी आपने नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं, देखिए उनके फादर जब तक थे वो प्रॉपर्टी तो उनके फादर के नाम पे रही होगी, तो ये सारी चीजें भी उसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और सिर्फ चुनाव नहीं, उनके यहाँ उनके पास बहुत जमीनें वगैरह है, और उत्तराखंड जब बना है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना रेखा आर्य जी को कर रही हूँ ना उनको कर रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पर मैं ये अवश्य कहूंगी कि देखिए, नहीं नहीं मैं आपको दोनों पक्ष बता रही हूँ, एक एक तरफ मैं ये कह रही हूँ आपको कि बहुत सारी चीजों के दाम एकदम से बढ़े थे, जो जमीनें हैं फॉर एग्जांपल वो बहुत, मतलब कौड़ियों के दाम पे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था, और फिर अचानक से बढ़े। अब जिसके पास जमीन है वो तो बेच के बहुत पैसे वाला हो ही गया, इसीलिए आप हमारी राजनीति
राजनीति में, मैं इस बात को इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो राजनीति में आए भी इस वजह से क्योंकि उनके पास ऐसी जमीनें थी जो फूटी कौड़ी में भी कोई नहीं खरीदने वाला था, और फिर उसके बाद जब वो राजनीति में आए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका पैसा बढ़ा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, मुझे ऐसा लगता है और इस बात पे मैं बहुत सवाल हमेशा से उठाती रही हूँ कि एकदम फेयर सिस्टम होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि फेयर सिस्टम बनाएगा कौन? जो सत्ता में आता है वो तो अपने को नहीं बचा रहा केवल, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सुजाता जी थोड़ा सा रुकूंगा। आप तो चलिए पार्टी के प्रवक्ता हुए, मनोज जी भी पार्टी के प्रवक्ता हुए, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं मैं, निर्वाचन आयोग की बात करता हूं, जब इनके नामांकन के लिए कोई जाता है, कोई भी कैंडिडेट जाता है नामांकन कराने के लिए, तो ऐसे पन्ने लेकर जाता है, ऐसे पन्नों पर अपनी संपत्ति लिखता है, नीचे साइन करता है और ऐसे करके जमा कर देता है, और वो लोग ऐसे करके रख लेते हैं और इसी पोथिया को ऐसे करके साइड में रख देते हैं और ये ऐसी की ऐसी ही रखी रहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब इसमें चाहे कोई वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, अब अगर इसमें मैं चाहे ₹5 लिख दूं, चाहे 5 करोड़ लिख दूं, चाहे 5 लाख लिख दूं, ऐसे जाके ऐसे ही बंद कर दी, तो निर्वाचन आयोग के अंदर भी जिनका प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें भी मूलचूल सुधार की पूरी आवश्यकता है। तो पार्टी की बात नहीं कर रहा, यहां पर निर्वाचन आयोग की भी बातें हैं, तो इन चीजों को डिस्कस किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही थी और मैं इस पे भी आ रही थी कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो हमें समझ लेना पड़ेगा कि पार्टी कोई भी हो, सत्ता में जो आएगा वो कभी भी इस चीज में नहीं जाएगा कि किसी की, मतलब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी इनकम में ट्रांसपेरेंसी आए उसके लिए क्या आप कदम उठाएंगे। ये बहुत हिम्मत का काम है और ये तभी हो सकेगा जब कोई प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, मगर आपने देख लिया प्रचंड बहुमत वाली सरकार, खैर उसमें जाना उतना सही नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने का कोई एक तरीका भी तो होना चाहिए। वो तरीका जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मगर आपने देखा है कि जब भी उनके पास कंप्लेन आती है चुनावों के दौरान तो क्या होता है, एक FIR दर्ज कर देते हैं या कहते हैं कि हमारे पास इतनी पावर नहीं, हम इतना ही काम कर सकते हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव के बाद फिर भी वो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम ही नहीं करती। तो ये दबाव बनाने के लिए मुझे लगता है कि समाज में जितने लोग हैं, जो जनता है, वो जागरूक हो और वो इसका दबाव हमारे जो लेजिस्लेटर्स है और हर पार्टी के ऊपर लगाए, क्योंकि अगर हम भी देखिए एज अ सिटीजन हम भी तो चुन लेते हैं ना ऐसे लोगों को जिन जो पैसा खूब दिखाते हैं, क्योंकि समाज में मटेरियलिज्म इतना ज्यादा आ गया है कि आपने किसी को पैसा वाला देखा तो आप उसको चुन लेंगे। आपके सामने एक मतलब एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा या एक आम नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा, छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति होगा, उसको नहीं चुनेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ है उत्तराखंड में, नाम नहीं ले रही हूँ, मगर सडनली उनके जो पोस्टर है वो चौराहे चौराहे पे है, भट्ट जी समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ, और हर कोई ये सवाल उठ रहा है ये कौन है जी, बाजू में ही बैठे हैं आपके, जी जी वही मैं कह रही हूँ, भट्ट जी इस बात को जानेंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, हर जगह पे उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तस्वीरें कैसे आ रहे हैं। मैं तो भट्ट जी से जानना चाहती हूँ कि इतनी तस्वीरें ये स्वयं की लगवा सकते हैं, और वो खास करके पुलिस वाली जो होती है ना जहाँ खड़े होते हैं कियोस्क, उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए ये पैसा कहीं से आ रहा होगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि इस वक्त भले ही चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू हुआ, आप ये नजर तो रखेंगे कि हर व्यक्ति, बड़ी से बड़ी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो, आप उन पर नजर तो रखेंगे कि भैया ये इतने पोस्टर जो है ये कहां से आ जाते हैं, इतने कार्यक्रमों में इतना पैसा कैसे खर्च कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए बिल्कुल आपने पोस्टर वाला पॉइंट बहुत बढ़िया उठाया, इसके साथ ही जोड़ देता हूं, एक विधानसभा में अगर हर नुक्कड़ चौराहे पे पोस्टर लगाने बैठ गए तो 5 अल्टो आ जाएंगी उसमें। खैर वापस आते हैं अजय भट्ट जी, जी जी ठीक है, तो वापस आते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बताइएगा आपकी पार्टी बिल्कुल नई है, नया नया आपका सब कुछ है, आप विज्ञापन के बहुत बड़े एक पोस्टर वाय खुद ही हैं, जहां भी विज्ञापन की बात होती है आपका विज्ञापन ही विज्ञापन दिखता है, आपका काम जो है वो अगर इतना है तो आपका विज्ञापन इतना होता है, काम अगर आपका चुहिया भी बराबर भी होगा
तो आपका विज्ञापन बिल्ली जैसा होगा। तो ये विज्ञापन पर इतना ज्यादा क्यों खेलते हैं आप? और ये फैक्ट्स के जरिए बात कर रहा हूं, अभी आंकड़े भी गिनकर सुना दूंगा आपको कि कितना कितना पैसा आपने विज्ञापन पर खर्च किया। आप सामने बैठे हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप आरोप मत लगा दीजिएगा कि बीजेपी से पूछिए उन्होंने कितना किया। आप बताइए विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च होगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप विज्ञापन पर, पोस्टर पर, इन चीजों पर इतना पैसा खर्च करेंगे तो कैसे आप कैसे सोच भी कैसे सकते हैं कि रुड़की में आप किसी को चुनाव लड़ाना चाहेंगे और उसके पास अगर 10,000 रुपए है तो कैसे चुनाव लड़ा देंगे उसे? फिर कैसे पोस्टर लगेगा, कैसे कार्यक्रम सजेगा, कैसे 50,000 मोटरसाइकिलों में तेल डलेगा, कैसे लोगों की मोटरसाइकिल के आगे चिप्पी लगेगी आम आदमी पार्टी की, कैसे मुमकिन हो पाएगा? सवाल खत्म हो गया क्या? सवाल तो इतने हैं कि खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन अभी रोक देता हूं, आप जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो दे दूं, आपकी इच्छा है। देखिए पहली बात तो यह है कि आपने आपने इतनी सारी बातें कही और जो भी बातें कही आप अपने हिसाब से सही और गलत हो सकते हैं, वो आत्मचिंतन आत्ममंथन की बात है। लेकिन उत्तराखंड में जो सरकारें रही, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो एक शराब आई थी डेनिस, और पूरी अफवाह उड़ी उसमें कि डेनिस पे 400 रुपए प्रति पेटी। उत्तराखंड की सरकार में एक व्यक्ति थे जो आजकल उनके विरोधी हो रखे हैं, जो कहते हैं कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं थामी जाती, वो 400 रुपए पेटी लेते हैं तब जाके वो डेनिस बिकती थी, बाकी ब्रांड बंद हो गए। पहली बात। दूसरी बात, जब ये आज जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार चल रही थी तो इन्होंने गैरसैंण में जो संपत्ति यानी उत्तराखंड में भू कानून है वो खत्म कर दिया ताकि जमीनों की खरीद फरोख्त हो सके। दूसरा, उन मुख्यमंत्री जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने देहरादून में एक झील बनाई, सूर्यदार झील, और उसके पास जितनी जमीनें थी उनके लोगों ने उनके नहीं 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 आप सवाल क्या इतना लंबा जवाब देने नहीं देना चाहते, उस सूर्यदार झील, उस सूर्यदार झील के पास उनके सभी लोगों ने, उनके भाई ने, उनके भतीजे का स्टिंग जारी हुआ, स्टिंग है, आप तैर रहा होगा आप भी ढूंढ लीजिएगा, वो सारी जमीनें कलेक्ट कर ली। तो वो पैसा कमाना जो ये है, सत्ता में बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है उत्तराखंड में, इन्होंने यही तो काम किया है, किसी तरह से लूटो खसोटो और अपना घर भरो और चुनाव में जाओ। लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं उसके बाद भी दो दो जगह से चुनाव हार जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जनता सब कुछ देखती है, जनता को मालूम है कि अगर कोई 400 रुपए पेटी शराब पे ले रहा है तो उसको दोनों जगह से हराना है, ये जनता को मालूम है, और वो जनता ही अंतिम निर्णायक है, उसको अच्छा लगेगा कि आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है या करने लायक है, और चूहिया जितना काम करती है और बिल्ली जितना ऐड देती है या बात करती है, वो आप जैसा कह रहे हैं वो जनता निर्धारित करेगी उसमें कि सही है गलत है। तो अभी सवाल जवाब खत्म नहीं हुआ। कल ही की रिपोर्ट है कि 1,60,000 बच्चों ने दिल्ली में निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, तो वो चूहा जैसा काम है, और उत्तराखंड में 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी का शासन रहा, तो आप कह सकते हैं कि अरे आपकी दिल्ली में सड़कों का हाल देखा है आपने? अगर आप राजनीति पर ही जाना चाहते हैं, दिल्ली में सड़कों का हाल देखा है? फ्री में बिजली दी, बिल्कुल देखा है, फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है, फ्री में स्विमिंग पूल दे रहे हैं सड़कों पर, क्यों दे रहे हैं भाई, नहीं चाहिए फ्री में? अगर आप राजनीति में बचाइए, देखिए मेरी बात समझिए संजय जी, नहीं नहीं आप बताए ना, एमसीडी किसके पास है? 3 MCD है दिल्ली में, किसके पास है? देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, संजय जी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको यहीं रोककर एक बात क्लियर कर दूं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें एक मुद्दे पर बातचीत हो रही है, अगर आप कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप सवाल करें, आप हावी होने की कोशिश करें, आप चिल्लाने की कोशिश करें, वो सब मत करिए, क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं, अगर आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, आप अगर उसमें 1,60,000 बच्चों ने कल ही की रिपोर्ट है, दूर की नहीं, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, ये कल ही की रिपोर्ट है। संजय जी रुकिए, ये जो हम लोग अभी डिबेट में जिसमें आपने भाग लिया है उसमें दरअसल राजनीति की उस चीज पर बात हो रही है जहां पर सुधार की जरूरत है, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया है, बीजेपी के नेता को, बीजेपी के प्रवक्ता को हमने इसलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वो सत्ता में है, इसीलिए उनको आमंत्रित नहीं किया, आपको इसलिए आमंत्रित किया गया, कांग्रेस के हमारी सुजाता जी को इसलिए आमंत्रित किया गया ताकि आप लोग सुझाव दे सकें कि किस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है इसको कैसे चेंज किया जाए। यहां पर वो बातें हो रही हैं कि कैसे जो कल तक ननकू था, जिसके पास 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस था, वो विधायक बनता है और आज की डेट में
वो ननकू सिंह बन जाता है, उसका सफेद कुर्ता है, क्लफ लगा है, जिससे नींबू तक रख दे तो नींबू भी कट जाए, इतना सब कुछ, सूट बूट चार पहिया गाड़ी पीछे सब कुछ, चिंटू मिंटू साथ चार, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। और इसके साथ ही अब धीरे धीरे राजनीति जो है वो इस जगह पर आकर खड़ी हो चुकी है कि आज जिसके पास पैसा है उसके पास टिकट है। और अगर ऐसा ही चलता रहा संजय जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, सीधे बैठ जाते हैं, देश का जो सबसे अमीर शख्स है उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, जो दूसरा सबसे अमीर शख्स है उसको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं, जो उससे थर्ड पर नंबर पर है उसको कोई पद देते हैं। अगर पैसे के दम पर ही चीजें अब होने लगी हैं तो आगे बढ़ ही क्यों रहे हैं फिर, ये पैसे का जो बोलबाला है वो कुछ समय से ज्यादा तेजी से देखा गया है। नहीं बिल्कुल, एक पहली बात तो ये देखिए कि जी नहीं आप बोलिए संजय जी आप उत्तराखंड में एक नई पार्टी बनकर आए हैं, आपको तो और अच्छे से सुझाव देने चाहिए, आपका काम महज इतना नहीं होना चाहिए कि वो देखिए बीजेपी, वो देखिए कांग्रेस, वो देखिए उन्होंने क्या किया, हमने ये किया, हम ये करने जा रहे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है कि आपने अभी तक उत्तराखंड में कुछ नहीं किया, आप ब्लैंक है, लोग आपको अब जान रहे हैं, आप उनके सामने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हाँ हम आम आदमी पार्टी से हैं, दिल्ली का मॉडल देखिए, हम लोगों ने स्कूल में ये किया, हम लोगों ने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया, हम लोगों ने बिजली इतने यूनिट फ्री दे दी, हम वो यहां पर भी देंगे, आप इंट्रोडक्टरी फेज में हैं अभी। मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं कि अगर आप उत्तराखंड में आना चाहेंगे तो ये जो निर्धन जो लोग हैं जो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर जवाब दीजिए आप। जी देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है कि हम इंट्रोडक्शन वाले फेस हैं और हमने अभी उत्तराखंड में कुछ नहीं किया, क्योंकि करेगा तो वही जनता का तो और सरकार कांग्रेस और भाजपा की रही है। अब कांग्रेस के नेता, देहरादून के नेता सुजाता जी भी उन सबको जानती है, मैं भी जानता हूं क्योंकि वही विधायक रहे, उनके बारे में जानते हैं कि कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री थे दिनेश अग्रवाल जी वो स्कूटर में आते थे, आज उनके बड़े बड़े फॉर्म हाउस हैं। ऐसे ही अगर हम हरबंस कपूर जी जो भारतीय जनता पार्टी के आठ बार से विधायक हैं उनकी बात करें तो वो किस हालत में थे, आज उनकी इतनी अथाह पर प्रॉपर्टी है, जो क्या नाम आपका छात्रवृत्ति घोटाले हुए उसमें 500-550 करोड़ के घोटाले में उनके बेटे भी शामिल है, तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी है। हमारे पास जो सीएम फेस हैं उन्होंने बिना कुछ रहते हुए 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी और लगभग 10-12,000 बच्चे भर्ती हुए। आपके घर में मिरर है, मिरर शीशा तो सबके घर में आप है, मिरर एक राजनीति वाला शीशा होता है, उसको भी देखना आपको बहुत जरूरी है, उस मिरर को देखिए, क्योंकि आपसे कोई भी सवाल किया जाता है आपको इधर लेफ्ट में बीजेपी दिख जाती है, राइट में कांग्रेस दिख जाती है, खुद को भी देखना सीखिए, खुद को भी समझिएगा। चलिए ठीक है, अभी आपने अपनी बात कह दी, अब जिसने चोरी करी है उसी को तो देखेंगे, जिसने चोरी की है उसी को तो कहेंगे, जिसने चोरी नहीं, कौन सा चोरी कहता है कि मैं चोर हूं, कोई सा चोर नहीं कहता ये चोर हूं, बल्कि आप भी वही कह रहे हैं, आप भी दूसरा वो चोर त्रिवेंद्र ने हरीश रावत कहते हैं नहीं करी चोरी, अब ये सोचिए ना हरक्षण रावत केजरीवाल भी कहते हैं नहीं करी चोरी, चलिए चोरी करी थी हरी, लेकिन हरीश रावत आके कहते नहीं बीजेपी वालों ने चोरी नहीं की। अरे अरविंद केजरीवाल कि इतना फंड कहां से आया था, इतना कहां से डोनेशन मिला था, वो आज तक कहते हैं नहीं भैया हमने कोई चोरी नहीं करी। चलिए ये राजनीति है, आप सभी एक ही कुर्ता पहनते हैं, सुझाव की बात कर रहे थे, और केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के पास है, एसीबी उन्होंने ले ली थी, वो चाहे तो छापे मारे ना केजरीवाल जी पे, वो गड़बड़ कर रहे केजरीवाल तो छापे मारे, पुलिस दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, जब सब कुछ मोदी जी के पास है, सब कुछ केंद्र के पास है, पुलिस उनके पास है, सब कुछ सड़क पे चल रहे हैं, एमसीडी उनके पास है, आप किसके पास है, काहे बैठे हैं दिल्ली की सत्ता पर फिर, चलिए छोड़िए, क्या क्या कर दिया दिल्ली की जनता के लिए, कोई और मुख्यमंत्री, तो मैं कह रहा हूं क्या कर दिया, आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं क्या क्या कर दिया, चुनाव जी छोड़िए, ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया आपने, बहुत बढ़िया बोला आपने चुनाव में ये कहे, सुजाता जी को नींद आने लगी आपकी बातों से, वही रटी रटाई बातें हर जगह बोलते हैं आप, कोई है ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री बताइए ना दूसरा हिंदुस्तान में जो कहे कि चुनाव में कि मैंने काम नहीं करा हो तो वोट मत देना, ऐसा दूसरा मुख्यमंत्री बताइए ना अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया तो। सुजाता जी को आपकी बातों से नींद आने लगी है क्योंकि आप रोजाना वाली वही रटी रटाई बातें बोल रहे हैं, मत बोलिए, चलिए ठीक है, आपको भी नींद आएगी थोड़ी देर में, आपको भी नींद आएगी सुजाता जी,
जी देखिए, इन्होंने बात करी कर्नल कोठियाल की। कर्नल कोठियाल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उस फाउंडेशन में कहीं ना कहीं से तो पैसे आते ही होंगे, और ये रास्ते उनके लिए जो खुले हैं उसमें भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखा के एक व्हाइट पेपर आप लोग ले आएंगे तो निश्चित तौर पे जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। और ये मेरा सुझाव है, मैं केवल केवल पॉजिटिव सुझाव दे रही हूँ। अब देखिए, इन्होंने बात करी एक नेता दिनेश अग्रवाल जी के बारे में बात करी और हरबंस कपूर। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में जरूर हूँ मगर मैं देहरादून की बेटी हूँ, इसलिए मैंने बचपन से इन दोनों को देखा है। तो मैं इनको बता दूं, शायद ये नहीं जानते होंगे क्योंकि इन दोनों को मैंने बड़े होते हुए देखा, दोनों मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं, इसलिए आपको बता दूं कि हरबंस कपूर जी बहुत समय तक, अगर उन्होंने अपनी गाड़ी अब बदल ली होगी तो बात पता नहीं, लेकिन वो धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, इसलिए भाजपा के नेता है। फिर भी बहुत बता रही हूँ आपको, वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये तो बीच में देखिए आप, ठीक है संजय जी और सुजाता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी के कारण आपको यही रोक रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छे से आपने सुझाव दिया, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय जी, जाते जाते आपको ये बता दूं, आपने कहा था कि आपको भी नींद आएगी, अगर ईमानदारी के साथ करेंगे तो शायद आपको भी नींद आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद।